हेलो दोस्तों, दिस इज़ नीलाद्री। जीवी एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है आपका। लेसन भी आप लोग प्रैक्टिस शायद कर रहे होंगे। अभी मैं जो आपको लेसन बताऊंगा वो है आपका बेसिक म्यूज़िक नोट्स, ठीक है, जो हम लोग सीखेंगे। जो गिटार का एक एक फ्रेट्स का नाम तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 करके। उसके बाद अभी जो स्ट्रिंग्स होते हैं गिटार में, जो फ्रेट्स और स्ट्रिंग्स जो एक साथ में जो आप देखते हो गिटार में, तो एक एक स्ट्रिंग्स का एक एक फ्रेट का अंदर में एक तो नाम है। तो क्या नाम है वही हम आज में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल में नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, मैं एकदम फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था स्ट्रिंग्स का नाम, ई ए डी जी बी ई, ये सब स्ट्रिंग्स का नाम है। ऊपर वाला जो स्ट्रिंग्स है 6 5 4, इसको हम लोग बेस स्ट्रिंग्स बोलते हैं। एंड नीचे का जो 1 2 3 जो बॉटम स्ट्रिंग्स है, इसको हम लोग ट्रिबल या तो सोलो स्ट्रिंग्स भी इसको बोलते हैं। तो सपोज आप बोर्ड में देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्ट्रिंग्स है। तो हम लोग पहले वाला जो लेसन किए थे, अभी जो नंबर 1 स्ट्रिंग है इसको हम लोग ई बोलते हैं, ओपन ई। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, ई के बाद क्या होता है, ई के बाद होता है एफ। तो ये फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है इसको एफ, इसको हम लोग एफ बोलते बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एफ के बाद आपको पता है शायद, एफ एफ शार्प, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जी, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में क्या आएगा, जी शार्प। नंबर 5 में क्या आएगा, ए, ठीक है। ए के बाद क्या आएगा, ए शार्प या तो बी फ्लैट। ऐसा करके टोटल स्ट्रिंग में मैं बताते जाऊंगा। उसके बाद ई के बाद क्या होता है, ई के बाद आएगा बी। मैं नीचे से काउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है। सो बी, ओपन बी। बी के बाद क्या आएगा, सी। उसके बाद सी शार्प। तो हम लोग सी शार्प को दूसरा कौन सा नाम में भी पहचानते हैं, सी शार्प या तो डी फ्लैट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी शार्प के बाद डी, फिर डी शार्प। तो हम लोग डी शार्प को कौन सा नाम में जानते हैं, आइदर डी शार्प या तो ई फ्लैट, ऐसा करके ये होगा। फिर एफ, उसके बाद एफ, एफ के बाद क्या होगा, एफ शार्प, ऐसा करके ये पूरा फ्रेट होगा। मैं एक बार आपको दिखा यहाँ पे समझा देता हूँ। सो फर्स्ट वन इज ई, ई के बाद क्या होगा, ई के बाद आएगा आपका एफ, ठीक है। एफ के बाद एफ शार्प, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जी। उसके बाद जी के बाद आएगा जी शार्प। जी शार्प के बाद आएगा ए, ठीक है। ए के बाद आएगा आइदर ए शार्प या तो बी फ्लैट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बी सी, फिर सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, ऐसा करके ये पूरा फ्रेटबोर्ड आपको कवर करेगा। जिसे एक बात हमेशा याद रखिएगा, नंबर 1 स्ट्रिंग इन द बॉटम एंड नंबर 6 स्ट्रिंग्स इन द टॉप आर इक्विवेलेंट टू सेम। नीचे का भी जो फिगर में है ऊपर का भी वही रहेगा, ई एफ एफ शार्प, उसके बाद जी, उसके बाद जी शार्प, उसके बाद ए, उसके बाद ए शार्प और आइदर बी फ्लैट, उसके बाद बी सी, सी शार्प, डी डी शार्प, ठीक है। और उसके बाद तो ई आएगा। इस समय 12 नोट्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड वाला स्ट्रिंग्स है नंबर बी, आपको पता है अगर सेकंड स्ट्रिंग ओ पे नम बजाएंगे तो इसको नंबर बी बोलेंगे। सो बी के बाद क्या होता है, बी के बाद डायरेक्ट आ जाता है सी, सी के बाद क्या होगा, वेरी गुड सी शार्प, सी शार्प के बाद क्या होगा डी, डी के बाद क्या होगा डी शार्प, ठीक है, डी शार्प के बाद होगा ई, उसके बाद आ जाएगा एफ, उसके बाद आ जाएगा एफ शार्प, ठीक है। एफ शार्प को हम लोग क्या बोलते हैं, आइदर एफ शार्प या तो जी फ्लैट, सेम ही है एफ शार्प, ठीक है। तो ऐसा करके हर एक स्ट्रिंग्स का एक एक करके नाम होगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। अभी नंबर थ्री स्ट्रिंग्स में हम देखेंगे, नंबर थ्री ओपन, ओपन हमको क्या बोलते हैं इसका नाम जी, जी के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जी शार्प, जी शार्प या तो ए फ्लैट इज सेम, ठीक है। अगर आप यहां से यहां, अगर आपका फ्रेटबोर्ड है, अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो इसको शार्प बोलते हैं, अगर एकदम उल्टा माने यहां से अगर यहां तक आओगे तो इसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। जो शार्प होगा वही फ्लैट हिसाब में आएगा, ये डिपेंड करता है आपका सॉन्ग के ऊपर में, सॉन्ग कैसा करके बनाया हुआ है, ठीक है। सो जी, जी शार्प, उसके बाद जी शार्प के बाद डायरेक्ट ए आ जाएगा, उसके बाद बी फ्लैट बोलेंगे या तो ए शार्प, ए शार्प आइदर बी फ्लैट, एक ही है, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा सी शार्प, सी शार्प के बाद क्या होता है, वेरी गुड डी, डी के बाद क्या होगा डी शार्प, ऐसा करके ये जाएगा, ठीक है। अभी नंबर फोर स्ट्रिंग्स ओपन है डी, डी के बाद क्या होगा, फर्स्ट फ्रेट में डी शार्प हो जाएगा, डी शार्प के बाद क्या होगा ई हो जाएगा, ई का किंतु कोई आपका E और B मैंने बताया था, E और B में नो शार्प होते हैं और A और C में नो फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। सो D, D शार्प, उसके बाद E, E, E के बाद आएगा F, F के बाद आएगा F शार्प, F शार्प के बाद आएगा आपका G, फिर G शार्प, ठीक है, उस G शार्प के बाद फिर A, A के बाद आइदर B फ्लैट और ए शार्प, ठीक है, ऐसा करके करके होगा। नंबर फाइव स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं ओपन में, ए बोलते हैं। सो ए के बाद क्या आएगा, आइदर ए शार्प और बी फ्लैट, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बी, ठीक है, उसके बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा सी शार्प, सी शार्प और डी फ्लैट सेम है, ठीक है। सी शार्प के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा डी शार्प, डी शार्प के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा एफ शार्प, फिर एफ शार्प के बाद आएगा जी, जी के बाद जी शार्प, जी शार्प के बाद आएगा ए। ऐसा करके हर एक फ्रेट्स में, हर एक फ्रेट्स का, हर एक जो स्ट्रिंग्स है उसका अलग अलग सा नोट्स है। सो हम लोग जो भी कुछ बजाएंगे, जो भी कुछ आप गिटार में जो प्ले करते हो, सपोर्ट में कॉर्डिंग करता हूं, ये भी किंतु तीनों नोट्स पकड़ के आपका कॉर्ड बनते हैं। सपोज ई ए सी, अगर मैं बोलूं ई ए सी, अब पकड़ो सेकेंड फ्रेट में ई ए सी, ई ए सी, ये कॉर्ड बन गया, दैट इज ए माइनर कॉर्ड, ठीक है। अगर मैं ई ए सी शार्प ऐसा करके पकड़ लू, ए मेजर कॉर्ड हो गया। तो हम लोग कॉर्ड में भी धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये कर रहे हैं। तो आपको जितना तक समझ लिया, इसको सिर्फ आप याद रखो, एक बार में तो आपको याद नहीं होगा, बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते 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 आपको माइंड में आ जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा लेसन को, अगर पसंद होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से कीप प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे
उतना ही आप बढ़िया से बजा पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।